हम भी वर्कर है, वो भी वर्कर है, कभी हम भी फंस जाए तो वो भी निकाल सकते हैं। इसमें दो आदमी हम भरे जाएंगे, जो तसला भर के ट्रॉली पे रखेंगे, बाकी चार जने खींचेंगे। अच्छा। वो थकेंगे, फिर हम लोग दो जाएंगे, अल्टरनेट करके जाएंगे। हाँ मजदूर है, हम भी मजदूर हैं, उनको निकालना हमारा काम है, वो आ जाए तो हमारा भी दिल भरा हो जाए। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 16वां दिन है। सिलक्यारा एंड से जो हॉरिजॉन्टल रेस्क्यू टनल बनाई जा रही थी, जिसमें अमेरिकन ऑगर मशीन फंस गया था, खराब हो गया था, अब उसको काट के हटा लिया गया है। अब रैट माइनर्स की एक टीम, 6 लोगों की एक टीम अंदर जाएगी और रैट माइनिंग यानी कि हाथ से मैनुअली जो मलबा है उसको छोटे छोटे बॉक्सेस में डाल के बाहर लाएगी। और वही टीम हमारे साथ इस वक्त है। राकेश, ये बताइए जो प्रोसेस है पूरा, आप लोगों का अंदर जाएंगे, बड़ा कठिन परिस्थिति है, किस तरह से काम करेंगे वहाँ पे? मतलब जो एक फावड़ा लेके जाएंगे छोटा सा, जिसके लिए एक ठेली की जरूरत पड़ेगी, ठेली के उससे मतलब तसले में रख के उसका मिट्टी आएगी बाहर निकालने के लिए। कितना बड़ा तसला रहता होगा वो, कोई आइडिया है क्या? 14 इंच का। 14 इंच का? हाँ जी, 12 इंच का चलेगा। अच्छा, मतलब 800 का लाइन है, इसलिए कोई बड़ा पाइप होता तो मतलब बड़ा तसला ले जा सकते। तो एक बार में कितना मलबा तकरीबन आप उसमें रख पाएंगे, कोई आइडिया अभी? अब एक तसले में 6-7 किलो बनेगा, और कितना बनेगा? 6-7 किलो, तो इसमें कई घंटों का काम है, ये देख रहे हैं। हाँ। और अंदर सांस लेने में दिक्कत होगी, तो उसके लिए क्या कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह जाएगा, कैसे होगा वो? मतलब उसमें जैसे क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन सब मास्क लगा के जाएंगे, चश्मा भी मतलब रखेगा आंख पे। और इसके बाद एक ब्लोअर होता है जो पाइप के द्वारा हवा भी जाएगी इसके साथ साथ, ताकि धूल ना आए। अच्छा, हवा का सर्कुलेशन बना रहे, इसलिए बना रहे। हाँ ठीक है। और साथ में मैं ये देख रहा हूँ ड्रिलर आपने रखा हुआ है, ये किस काम आएगा? ये मतलब कोई पत्थर अगर बड़ा सा आता है मुंह पर पाइप के, तो इससे अगर टूटता है तो इससे तोड़ा जाएगा। अच्छा, आप लोगों को क्या इसके पहले भी एक्सपीरियंस है, कहीं किया है आप लोगों ने, या पहला समय होगा जब ये काम करेंगे? नहीं, ये काम तो हम लोग काफी सालों से कर रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस है, हम लोग कर देंगे, इतना है तजुर्बा। अच्छा। हाँ। तो कहाँ काम किया है इसके पहले, किन जगहों पे? किन दिल्ली में बहुत सारे जगह पे किए हैं, गुजरात अहमदाबाद में बहुत काम किए हैं। लेकिन ये चुनौती भरा होने वाला है, यहाँ पे सांस वांस लेने की दिक्कत होगी अंदर तक? वो तो हम अपना सेफ्टी लेके चलेंगे। अच्छा, 6 लोगों की टीम जो जा रही है, वो किस तरह से काम करेंगे? वो क्या शिफ्ट में काम होगा, कौन तोड़ेगा, कौन मलबे को खींचेगा? इसमें दो आदमी हम भरे जाएंगे, जो तसला भर के ट्रॉली पे रखेंगे, ठीक है, बाकी चार जने खींचेंगे। अच्छा। वो थकेंगे, फिर हम लोग दो जाएंगे, अल्टरनेट करके जाएंगे, शिफ्ट में काम। हाँ, शिफ्ट में काम करेंगे। अच्छा, एक आखिरी चीज, क्या आप लोगों को भी वो लग रहा है कि 41 मजदूर 16 दिन अंदर फंसे हुए हैं, तो काम तो काम होता ही है, बाकी जगह पे करते हैं, लेकिन ये काम जब करने जा रहे हैं तो उस वक्त क्या अलग फीलिंग है? हाँ मजदूर है, हम भी मजदूर हैं, उनको निकालना हमारा काम है, वो आ जाए तो हमारा भी दिल भरा हो जाए। अच्छा, तो आप लोगों को भी लग रहा है कि अपने ही भाई जैसे अंदर फंसे हुए हैं? हम भी वर्कर हैं, वो भी वर्कर हैं। हाँ। कभी हम भी फंस जाए तो वो भी निकाल सकते हैं, बस यही है। ठीक है, तो ये वो टीम है जो 6 लोगों की टीम जो रैट माइनिंग करेगी और मलबे को बाहर निकालेगी। प्रोसेस ये बता रहे हैं सिंपल है कि एक छोटे सी ट्रॉली में 6-7 किलो का मलबा डाला जाएगा, उसको बाहर खींचा जाएगा, अगर कोई बड़ा पत्थर आता है तो ड्रिलर से तोड़ा जाएगा, और ये तमाम जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा होगा, और साथ में आंखों में धूल ना जाए इसके लिए अलग तरह के चश्मे पहनकर ये काम करेंगे। तो अब अमेरिकन ऑगर मशीन के खराब होने के बाद रैट माइनिंग का काम शुरू होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ में अमित भारद्वाज, उत्तरकाशी,